नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के एक ऐसे नियम के बारे में जिसमें अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान अगर आप सो गए हैं तो रेलवे अब आपको उठाएगा, जगाएगा और ये बताएगा भी कि आपका स्टेशन आने वाला है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए नए बदलाव करता रहा है जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती रहे। कोरोना काल के बाद से जिस तरह से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उससे अब यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना काल के दौरान लगे प्रतिबंधों को लगातार हटाया गया है, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि रेलवे पूरी तरह से पटरी पर आ गई है। अब बात कर लेते हैं रेलवे की तरफ से जारी नए अपडेट के बारे में। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के लिए बेहतर सेवा की शुरुआत किया है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अब ट्रेन में स्टेशन छूटने का डर खत्म होने वाला है। मतलब कि आप चैन से ट्रेन में सोइए बिना किसी टेंशन के। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले रेलवे आपको जगा देगा, ऐसे में आप आसानी से सोकर उठ जाएंगे और अपने सामान को ठीक कर सकेंगे। बता दें कि रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि रेलवे एक खास तरह की सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है जिसका नाम है डिस्टिनेशन अलर्ट बैकअप अलार्म। इसका मतलब हुआ कि आपको अपने गंतव्य स्थान से पहले ही रेलवे आपको उठा देगी। रेलवे से यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम रात के सफ़र में सोए रह जाते हैं और हम अपने गंतव्य स्टेशन पर नहीं उतर पाते हैं, ऐसे में रेलवे ने 139 नंबर की पूछताछ सेवा पर इसकी शुरुआत की है। ऐसे में ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री 139 नंबर पर इंक्वायरी सिस्टम पर अलर्ट की सुविधा मांग सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि ट्रेन में कोई भी यात्री इसका लाभ उठा सकता है। बताया गया है कि यात्रियों को यह सुविधा रात में 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक मिलेगा। हालांकि रेलवे की तरफ से इसको लेकर अलग से 3 रुपया फीस लेने की भी बात कही गई है। रेलवे की तरफ से जारी इस अपडेट में यह कहा गया है कि अगर आप रेलवे से यह सुविधा लेते हैं तो आपको रेलवे 20 मिनट पहले आपके फ़ोन पर अलर्ट भेज देगा ताकि आप अपने सामान को ठीक कर सके, क्योंकि कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन आने वाला है ताकि आप आसानी से सोकर उठ सकें और अपने सामान को ठीक कर सकें। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं रेलवे की इस सुविधा को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। रेलवे की इस नई सुविधा डिस्टिनेशन अलर्ट बैकअप का लाभ पाने के लिए आपको IRCTC की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करना होगा। जब आपका कॉल रिसीव होगा तो आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा। इसके बाद आपको डिस्टिनेशन अलर्ट के रूप में पहले 7 नंबर और फिर बाद में 2 नंबर दबाना होगा। इसके बाद यात्री को 10 अंकों का PNR नंबर पूछा जाएगा। जैसे ही आप PNR डालेंगे आपको कन्फर्म करने के लिए 1 दबाना होगा। इसके बाद IRCTC का यह सिस्टम खुद से इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद बैकअप अलर्ट को फीड पर देगा। इसके बाद यात्री के मोबाइल नंबर पर मोबाइल अलर्ट को लेकर एक मैसेज आ जाएगा जिससे कि यह कन्फर्म होगा कि आपका जो है यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब आप जो है आराम से यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे जो है अब आपके ट्रेन से उठाने की जिम्मेवारी रेलवे के पास है। जैसे ही आपका कोई भी स्टेशन आएगा उससे, यानी कि जो भी स्टेशन आपका डिस्टिनेशन है उससे 20 मिनट पहले आपको रेलवे अलर्ट करेगा कि आपके 20 मिनट के बाद आपका गंतव्य स्थान आने वाला है, आप जो है सतर्क हो जाएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।